यूपी के लखनऊ को तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना हॉटस्पॉट बना दिया है। मैं लखनऊ में कैंट के उसी इलाके में मौजूद हूं, यानी उसी कसाईबाड़े के पास मौजूद हूं, जहां पर तबलीगी जमात के 12 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये मेरी दाहिनी तरफ का जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता ठीक उसी मस्जिद की तरफ जाता है जहां पर पुलिस ने तलाशी के दौरान तबलीगी जमात से जुड़े हुए 12 लोगों को यहां से लिया था और उसके बाद उनकी जांच करवाई गई थी और 12 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। तो इस रास्ते को आप देखिए कि पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इसके अलावा ये जो सामने की तरफ रास्ता आपको दिखेगा, इसको भी पूरी तरह से सील किया गया है। आम लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से यहां पर पाबंदी लगाई गई है। 31 मार्च से 4 अप्रैल तक देश की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तबलीगी जमात के लोगों को तलाश रही है। यह अभियान बेवजह नहीं है। दिल्ली के मरकज में शामिल हुए तबलीगी जमात के लोग जहां कहीं भी हैं, पुलिस उन्हें बहुत जल्द ढूंढ निकालेगी। लेकिन इसी बीच यह भी तय है कि यूपी में तबलीगी जमात के लापरवाह लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। लखनऊ के बनिया मोहाल इलाके में तो लोगों ने खुद ही नो एंट्री वाले पोस्टर लगा दिए हैं। लिखा है किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के कैंट इलाके में बनिया मोहाल इलाके में मौजूद हूं। ये दरअसल बनिया मोहाल इलाका है, ये कैंट के अंतर्गत आता है और आप देखिए कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यहां पर आम लोगों में बहुत ज्यादा जन जागरूकता देखने को मिल रही है। ये जो अंदर की तरफ जाता हुआ रास्ता है उसके ठीक पहले यहां पर देखिए इन्होंने एक बोर्ड लगाया है जिस पर लिखा हुआ है प्रवेश वर्जित, गली के बाहर के व्यक्ति का अंदर आना सख्त मना है। ठीक इसी तरह का आप देखिए कि एक पोस्टर इधर भी चिपकाया गया है कि गली के बाहर के व्यक्ति का अंदर आना सख्त मना है। यूपी के लखनऊ में 12 और आगरा में 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज तबलीगी जमात वाले हैं। ये सभी लोग एक महीने पहले दिल्ली में जमात के मरकज में शामिल हुए थे। बहरहाल यूपी के हाथरस का एक क्वारंटीन सेंटर देखिए, जमात के 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, इन्हें एक स्कूल में रखा गया है। 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, ये सासनी में मस्जिद से कुछ लोगों को मतलब पुलिस लेके आई थी, वो तबलीगी समाज के बताए जाते हैं, इनके हमने जांच की थी, उसमें 12 लोगों की रिपोर्ट आई, उसमें 4 लोग पॉजिटिव आए। जमात वालों के पॉजिटिव मिलने से पहले हाथरस में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 0 था। खैर यूपी की तरह जयपुर में भी जमात के लोगों ने कोरोना का संकट और संक्रमण दोनों बढ़ा रखा है। जयपुर में 4 अप्रैल की सुबह तक 19 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले, जिनमें 8 लोग तबलीगी जमात के हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, किर्गिस्तान, चीन समेत दुनिया के 41 देशों से आए तबलीगी जमात के 960 लोगों समेत भारत में रहने वाले हजारों जमातियों ने सिर्फ 4 दिनों में संक्रमण के आंकड़े दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। अब भी धर्म गुरुओं की अपील मानकर जमात के लोग खुद को और समाज को बचाने के लिए अपने आप सामने नहीं आ रहे हैं।